अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ इरफान खान, ये हमारा अभी का दूसरा वीडियो है। असल में ये वीडियो डालने की मेरा जो मकसद है वो ये है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 2024 के लिए जो CTT होने वाली है, CTT साल में दो बार जो है एग्जामिनेशन लेता है, जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से साल में दो बार वो एग्जाम कंडक्ट करता है CTT के, तो उसका जो है 2024 का शेड्यूल उसने ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देखेंगे, जब मुझे ये खबर लगी तो मैंने CTT.NIC.IN को जो है पहले विजिट किया हूँ, और वहाँ के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर पहला पॉइंट आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि CTT नोटिफिकेशन रिगार्डिंग CTT नोटिफिकेशन डेटेड 2/11/2023, तो उसमें आपको स्क्रीन पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्या बताया गया है। उसमें बताया गया है कि 21 जनवरी 2024 को CTT के 135 शहरों में समथिंग जो भी उसके संस्करण का जो है वो अरेंजमेंट करने जा रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर सीधी सीधी साफ बात है कि 2024 के जनवरी के 21 तारीख को जो है ये एग्जामिनेशन CTT का होने वाला है, और इससे ही मुताल्लिक ये अपना वीडियो है। जो मेरे इस चैनल पर नया है उसको मैं ये बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसे कई वीडियो CTT इन्फॉर्मेशन हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है मौजूद। अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल के CTT के जो है वीडियोज़ को विजिट कीजिए, वहाँ TTT के वीडियोज़ को इन्फॉर्मेशन को जो है विजिट कीजिए, आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ से मालूम होगी। अगर आप पहली बार दे रहे हैं, अगर आप दूसरी बार दे रहे हैं, अगर आप 10वीं बार दे रहे हैं, फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं शॉर्ट बट स्वीट जो है बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, और जो CTT पास हो चुके हैं वो दूसरों तक कम से कम इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि मैं बहुत सी जो है चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि आप अगर पहली भी बार दे रहे तो आप पास हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको पता है, सब पता है आपको, आजकल तो जो है जो DED में एडमिशन ले लेता है, BED में एडमिशन ले लेता है, वो भी एलिजिबल इसको होता है नए रूल के हिसाब से। और 23 जो है नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 3 जो है नवंबर आज का जो है उसको जो नोटिफिकेशन जो है कल का है वो 2/11 का, और उसकी जो डेट जो है आज से शुरू हुई है, नियर अबाउट 3 जो है आज नवंबर है ऐसा उसमें बताया गया है, 23 उसकी लास्ट है ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जा रहा है। इसके अंदर आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म की फीस वगैरह जो होती है नॉमिनली जो है ओपन कैटेगरी के लिए 1000 से 1200 रुपये होती है दोनों पेपर के लिए, एक पेपर के लिए नियर अबाउट 500 से 700 रुपये होती है, जो भी होंगी वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। 23 नवंबर से पहले आपको CTT के फॉर्म फिल करना है। इसकी तैयारी के लिए ज़्यादा कुछ ना करते हुए अगर मैं एकदम क्लियर तरीके से बताऊँ तो आपको 1 से 2 प्रकाशन में आप फाइनल हो जाएंगे, आप 100% वो पेपर निकाल देंगे इंशाल्लाह, अगर आप जो है उसकी दिल से तैयारी करते हैं तो। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो है जाने के लिए, एक प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो है TET और CTT जो है अनिवार्य यानी कि कंपलसरी कर दिया गया है। वहाँ TET जो है महाराष्ट्र में होता है और CTT भी जो है यहाँ पर चलती है, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में CTT भी यहाँ पर चलती है। न्यू कमर्स जो है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक तजुर्बे के तौर पर या फिर इसको क्लियर करने के ही तौर पर एग्जाम दीजिए। जो कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको जो है फीस में एक्सटेंशन कुछ तो भी कम ज़्यादा होता है दोनों पेपर के लिए, नियर अबाउट 600-700 और एक पेपर के लिए 400 समथिंग जो भी होता होगा वो XYZ। और इसकी जो, अगर आप नए हैं तो आपको ये बात बताता चलूँ कि इसकी जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 83 मार्क पर कैटेगरी वाले को, यानी किसी भी कास्ट वाले को EWS इसमें इंक्लूड नहीं है। ये मैं साफ बात बताता चलूँ, EWS जो है CTT के पास जो है उसने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करता है EWS, ऐसा उसका कहना है। तो ओपन और EWS को छोड़कर बाकी जितने कैटेगरीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी अदर कैटेगरी नहीं होती है, सब कैटेगरी महाराष्ट्र की OBC में ही काउंट होती है। वहाँ सिर्फ SC और ST दो ही कास्ट होते हैं वहाँ पर, और जनरल 3 ही कास्ट होते हैं, तो वो उसमें SC ST के अलावा जो सब काउंट होते हैं जितने यहाँ के जो भी कास्ट होंगे वो वहाँ पर OBC में काउंट होते हैं। तो आपको OBC, यहाँ आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो महाराष्ट्र में, आप वहाँ OBC में काउंट होते हैं सेंट्रल में, तो आपको 83 मार्क जो है कंपलसरी है, और कास्ट वाले ओपन वाले को जो है वो तो EWS वहाँ पर लेता ही नहीं है, तो ओपन वाले को 90 मार्क यानी कि 60% मार्क जरूरी है। ये हो गया उसकी मोटी मोटी बात। अगर आप तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पब्लिकेशन लेना है जो कि 100% आपको फायदेमंद साबित होगा, अरिहंत का पब्लिकेशन। 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं के 2 लेवल जो है होते हैं, और ये दोनों लेवल के लिए आप अरिहंत का पब्लिकेशन यूज़ कीजिए, अच्छा है, बेहतर है और बेहतरीन है मेरी नज़र में। बाकी बहुत से भी और भी जो है सेंट्रल के, ज़्यादा मटेरियल जमा मत करो, अगर आप न्यू कमर्स है तो पहले ही चांस में निकालने की कोशिश करो। दूसरी बात, कम पढ़ाई में यानी कि कम हेडेक में, कम फ्रस्ट्रेशन में, कम टेंशन में आप ये एग्जाम क्रॉस कर सकते हैं। एक तो किताबों से पढ़ो, 1 महीना पूरा दो इसको, 1 महीना गिनकर, अगर आप आज से फॉर्म भर दिया आपने समझो 15-7-8 दिन में अगले, तो उसके बाद से आप जब लगेंगे तो 1 से 1.5 महीना है आपके पास, ठीक है, तो वो 1.5 महीना आपको उसको देना है, या 2 महीने है तो 2 महीने उसमें किताब की पढ़ाई और यूट्यूब चैनल। यूट्यूब में आप सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट लेंगे तो वो लेंगे यूट्यूब के जरिए, किताब तो है ही है, किताब का पढ़ना ही है आपको। इसमें मोटी मोटी बात, 30-30 मार्क का हर सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है, और इसके अलावा जो जिसको हम बोलेंगे, मैं भूल रहा हूँ, जो भी हमारे TET में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही, हाँ, उर्दू लैंग्वेज 1। इसमें सिस्टम ऐसा होता है कि जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो सबसे मेन चीज़ मैं यहाँ बोलना भूल गया कि आपको फॉर्म भरते वक्त में अगर आसानी करना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो लैंग्वेज 1 तो उर्दू मीडियम वाले की उर्दू ही लेता है कोई भी। लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करते टाइम ज़रा सोचो, इंग्लिश मत लो, हिंदी जो है ईजी जाता है, लैंग्वेज 2 30 मार्क का हिंदी लो,
लैंग्वेज वन तो उर्दू ही आता है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अगर आप मराठी मीडियम है तो आप लैंग्वेज वन मराठी लेंगे, लेकिन लैंग्वेज टू आप जो है हिंदी चूज करो, ना कि इंग्लिश। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हिंदी, पैराग्राफ पूछता है, कविताएं पूछता है वगैरह वगैरह। सेम उर्दू जो लैंग्वेज रहेगा उसमें पैराग्राफ पूछेगा और नज़में पूछेंगे, उस पर सवाल जवाब पूछेगा। 15 मार्क के लिए आपको पेडागॉजिकल क्वेश्चन होंगे, हाउ टू टीच उर्दू सब्जेक्ट, हाउ टू टीच हिंदी वगैरह। अगर आप हिंदी के अध्यापक है तो कैसे पढ़ाएंगे, उर्दू के है तो कैसे पढ़ाएंगे, मराठी के है तो कैसे पढ़ाएंगे, सब। अगर आपका परफेक्शन इंग्लिश में है तो बिंदास ले लीजिए। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू को टारगेट कीजिए, ठीक है। ये हो गया 150 मार्क का, साइकोलॉजी इन्वायरमेंटल स्टडीज हमारे, मैथमेटिक्स 30 का और 30 का लैंग्वेज वन, 30 का लैंग्वेज टू। मराठी में है तो आप सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेने की कोशिश कीजिए, उर्दू मीडियम है तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजी जाएगा आपको, ठीक है। सेकंड पेपर में दो कैटेगरीज होती है, सोशल साइंस और साइंस मैथ्स, ठीक है। बी ए वगैरह जो करे हुए होते हैं, बीकॉम वगैरह, ये लोगों को सोशल स्टडीज़ की फैकल्टी से पास करना होता है, और जो लोग साइंस फैकल्टी से बीएससी एमएससी करे हुए हैं उनके लिए CET 2 विथ साइंस एंड मैथ्स होता है, ठीक है। इसमें जो है आपको 60 मार्क का साइंस एंड मैथ्स होता है, और बाकी के सब्जेक्ट सेम ऐसे ही होते हैं, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू और साइकोलॉजी। इधर जो है मैथ्स सिर्फ मैथ्स के लिए होता है, मैथ्स सब्जेक्ट जो होता है साइंस वालों के लिए होता है, अदर के लिए नहीं होता है। सेकंड पेपर में अरिहंत का पब्लिकेशन लो, दोनों पेपर के लिए, फर्स्ट टू फिफ्थ और सिक्स टू एट के लिए, मेरी नज़र में बेहतरीन है। इसके अलावा भी बहुत से ज्यादा किताबें जमा मत करो, यूट्यूब के चैनल प्रतीक शिवालिक सर का, उसके अलावा अध्ययन मंत्रा का, लेट्स लर्न हिमांशी सिंह का, इसके अलावा 4 से 5 चैनल और 5 से 6 चैनल आप अगर वहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं या देखते हैं उनको, तो तुम 100% उसको पास कर सकते हैं। बस उनके वीडियोस देखो, वो जो स्ट्रैटेजी बताते हैं, वो जिस तरीके से बताते हैं, वो जो एनालाइज करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। प्रतीक शिवालिक सर जो है ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, बहुत ज़बरदस्त जो है एक्सप्लेनेशन करता है, और कई बार जो है KBS के मेरिट लिस्ट में वो आ चुका है, उन्होंने प्रूफ के साथ भी बताया है। बहुत पोलाइट बंदा है और बहुत जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी उनके पास टैलेंट है। तो ये एक लेट्स लर्न वाली जो हिमांशी मैडम है, हिमांशी सिंह जो है, लेट्स लर्न इनका जो चैनल है, ये आप अगर आप इनिशियल स्टेज में है, पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, आपके लिए नया है, तो इन टीचर्स को देखिए ये कैसा जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, सिर्फ उनके टीचिंग की बदौलत, उनके जो टीचिंग और उनके जो टैलेंट था उसका इस्तेमाल उन्होंने कैसा किया है। तो वो जो है हिमांशी सिंह का लेट्स लर्न साइकोलॉजी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और बाकी प्रतीक शिवालिक बोला मैंने, अध्ययन मंत्रा बोला, इसके बाद 2-3 चैनल और है जो मुझे नाम याद नहीं आ रहे, आप वो सर्च करो, वीडियोज़ देखो और इधर किताब की पढ़ाई करो, 100% जो है एग्जाम निकलता है। 95 से 100 का स्कोर भी हो गया है, 95 भी हुआ और नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 90 तक आ जाते हैं हम। स्कोर करने की कोशिश करो ताकि हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है फंस ना सके, ठीक है। ये जो है अजद जरूरी हो गया है, CET के बगैर आपको प्राइमरी जॉब का जो है आपकी वजूद नहीं है। इन फ्यूचर में जब भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे इंडिया में लागू हो जाएंगी तो वो 9वीं से 12वीं को भी लागू करने वाले हैं, CET और TET वगैरह, ऐसा खबरें है। फिलहाल मैं आपको 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं के लिए ये भरना है। बीएड के लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, बीएड वो प्राइमरी 1 to 5 के लिए भरो मत और एग्जाम दो मत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑलरेडी जो है आउट कर दिया है। आप 6 to 8 के ही लिए एलिजिबल है प्राइमरी लेवल पर, अदरवाइज आप ऊपर तो है ही है, वहाँ CET की जरूरत नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, यहाँ जो है आप गवर्नमेंट के टीचर की जॉब करना चाहते हैं महाराष्ट्र में, तो आपको CET, TET जो है हर स्टेट में कंपलसरी होता है, वैसा यहाँ पर भी है। यहाँ पर CET जो है लागू है, 14 नवंबर 2017 के शुद्धि पत्रक के हिसाब से CET भी महाराष्ट्र में जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और पूरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो है एलिजिबल CET वाला भी टीचर बनने के लिए हो सकता है। इसमें आपको तैयारी सेम वही तरीके से करनी है, या फिर आप कई ऐसे मैंने जो चैनल के नाम बोले उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो था न्यू कमर्स के लिए, CET अगर आप पास हो गए होंगे, तकरीबन हमारे सब्सक्राइबर पास ही होंगे, वो तो टैट दे चुके हैं, लेकिन अपने जो लोग हैं या अपने जो आसपास के हैं जो पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, परेशान हैं और वो CET देना चाहते हैं, इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो भी जो है ज़रूर मिलेगा और आप पास करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए, उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको CET इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट के सेक्शन में चैनल के जरूर दिखेंगी। और भी मैं कई वीडियो जो है अपलोड करने की कोशिश करूंगा, मैं बार बार बोलता आया हूं, मेरे पास खुद के ऐसे जो है वीडियोज में जो मैंने अभी आपको बताया, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू का फंडा जो बताया मैंने आपको, इसके बेसिस पर पास होकर कई अपने वीडियोस को देखकर कई लोगों के मुझे कमेंट आए हैं और फोन भी आए कि सर हमको इससे फायदा हुआ और अल्लाह करम से हम ये पास हो गए। तो ऐसे ही मैं जैसे आप तक पहुंचाया हूँ, आप भी दूसरों तक पहुंचाइए ताकि उनका फायदा हो। पास होने वाले तो खुसूसन दूसरों तक पहुंचाओ ताकि तुमको जो तकलीफें गुजरी वो उनको ना गुजर सके, ये नीयत से उन तक पहुंचा दो। तुम्हारे रिश्तेदार है, करीबी है, दोस्त है, पहचान वाले हैं तुम्हारे, मीडियम वाले हैं, दूसरे मीडियम वाले हैं, सब। ये वीडियो ऑल मीडियम के लिए था, जहां पर भी इंडिया में ये मेरा वीडियो देखा जा रहा है वो इस चीज़ को जो है फॉलो करो और इन जो है इसको उसूलों को खुसूसन फॉलो करो। 1.5-2 महीना किताबों की भी स्टडी करो और यूट्यूब के चैनल्स भी देखो, 2-3 घंटे तो 2 घंटे तो देखो ही देखो अगर आप देखना चाहते हैं तो, अदर बेकार की चीज़ें देखने से बेहतर। मैंने चैनल के नाम बता दिया हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में हो सके तो या फिर पिन कमेंट करके पूरे CET की प्लेलिस्ट वहाँ पर दे दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके आपको करना है शेयर इस चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताना है। अस्सलामुअलैकुम।